स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बारिश के लिए प्रार्थना का आयोजन आज बीजापुर में। हिंदू मुस्लिम सभी समाज की सैकड़ों महिलाओं ने अपने 100 साल की पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार बारिश के लिए शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हजरत ख्वाजा अली आला की चौकंडी में अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थना करके बारिश के लिए गुहार लगाई। और उनकी आस्था है कि प्रार्थना के फौरन बाद ही बारिश होती है, जैसा कि आज बीजापुर में हुआ। तेरे प्यारे नेक बंदे ख्वाजा अली आला की सदका में बारिश बरसा रब कदीर। आमीन बोलो। अल्लाह ख्वाजा की सदकी में बारिश अता फरमा। अल्लाह ख्वाजा की सदकी में बारिश अता फरमा। अल्लाह ख्वाजा में अली आला की सदकी में बारिश अता फरमा। अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खता कर रहे हैं, जो भी तेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदीर उनके नवासे के सदके में, रसूल पाक के सदके में अल्लाह रहमत वाली बारिश अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकातुहु यसल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना कबीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वा सल्लिम या रहमतिक या अरहमर रहीम। सुभानल्लाहि बीजापुर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला चौकंडी पर शहर के तमाम हिंदू मुस्लिम ख्वातीन ने बारिश के लिए दुआ करने के लिए इस मैदान में आए हैं। और इसमें से ये पता चलता है कि यहाँ पर मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू ख्वातीन जो है अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि उन्हें रहमत की बारिश बरसाए। वैसे तो उत्तर भारत में ज़ोरों की बारिश भी, सैलाबें आ रहे हैं, तबाहकुन बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर कर्नाटक के जो है शहर बीजापुर है यहाँ पर जो है सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बारिश चंद कतरे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बारिश जितनी चाहिए उतनी बारिश नहीं हो रही है। इसी को लेकर जो शहर से बिल्कुल 7 किलोमीटर दूर मैदान में आकर हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला की चौकंडी पर तमाम हिंदू ख्वातीन और मुस्लिम ख्वातीन आकर यहाँ पर बारिश के लिए दुआ मांग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने ख्वातीन यहाँ पर हिंदू ख्वातीन हैं जो बारिश के लिए दुआ मांग रहे हैं। और ये इनकी परंपरा रही है, जब भी सूखा पड़ता है शहर में तो यहाँ पर इसी जगह पर आकर जब वो दुआ करते हैं तो उनका ये कहना है कि जैसे ही दुआ ख़त्म होगी तो वो घर वापस जाएंगे तो भीगते जाएंगे और अल्लाह ताला उनकी ज़रूर सुनेगा। तो मंदिर ಮಳಿ ಸಲಾಗ ಬಂದವ್ರಿ, ಮಳಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ವರ್ಷ ಬರ್ತೇವ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಮಳಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ ಬರ್ತೇವ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಈಗ ಮಳಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲಾಗೆ ಬಂದೇವ್ರಿ ಮಳಿ, ಮತ್ತ ಬರ್ತೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಳಿ ಸಲಾಗ ರೀ. बारिश के वास्ते हमें दुआ के वास्ते ही मांगने को अल्लाह में बारिश का बारिश के वास्ते हमें पटा रहे हैं बारिश का नाम में जो है हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन साहब भी यहाँ पर इस मौके पर तशरीफ फरमाएं। ये उन्हीं से पूछते हैं कि साहब ये जो है हर साल जो जैसे ही बारिश का कहर पड़ता है बारिश नहीं होती
होती है, तो ये दुआ का एहतमाम यहाँ पर होता है कितने सालों से? ये जब से हमारा गांव जो आबाद हुआ है सरकार ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला के दौर के बाद से, ये हमारे आबो अजदाद के दौर से लोग आते हैं। हिंदू मुस्लिम सबसे अहम बात यह है, हिंदू मुस्लिम एक होकर यहाँ सरकार की बारगाह में आते हैं, सरकार की बारगाह में अपनी अपनी अर्जी पेश करते हैं। इनकी ये चाहत, ये इनकी लगन, इनकी मेहनत सरकार को बड़ी पसंद आती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ आए हैं कुछ ही देर हुआ होगा, यानी अभी बारिश की हल्की हल्की बूंद आ रही है यहाँ। वैसे तो बीजापुर में यहाँ वहाँ बारिश थी, लेकिन हमारे इस तरह बारिश के कोई आसार नहीं थे, बस सिर्फ हवाएँ चलती थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि आने के बाद इंशाल्लाह ये सरकार खाजमीन का फैजान होता है। ये घर जाने से पहले क्या बारिश की बड़ी अच्छी बूंदें बरसती है। ये परंपरा कितने सालों से? ये बहुत पुरानी परंपरा है, जब से हमारे मेरे दादा का ही विशाल हो के सैयद बादशाह हुसैनी, ये 70 साल के ऊपर हो गया, उस दौर से भी ये लोग हमारे कौम के आते हैं। हमारी हो या हिंदू मुस्लिम हो या हमारे भूई समाज के लोग, यहाँ सब मिलकर आकर ये सरकार की बारगाह में पहले फूल पेश करते हैं, यहाँ बैठकर और भी सरकार की शान में वो जिस तरह का है वो बयान करते हैं, अपने हिंदू भजन से सरकार को मुतासिर करते हैं, मुसलमान नमाज पढ़कर। ये कौमी एक जात है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ी अच्छी खबर है, ये बड़ी अच्छी खबर अहमियत वाली है। हिंदू मुस्लिम एकता हमारे दरगाह से इंशाल्लाह एक मैसेज पूरे बीजापुर के लिए हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो इनका यह दावा है कि ये परंपरा जो तकरीबन 100 साल से जो चली है, जैसे ही बारिश का कहर पड़ता है तो यहाँ के तमाम जो हिंदू मुस्लिम ख्वातीन हैं यहाँ पर इस जगह पर आते हैं जहाँ हज़रत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला की चौकंडी है, वहाँ पर आते हैं और वो जो है दुआ करते हैं। और हिंदू ख्वातीन अपने धर्म के मुताबिक वो प्रार्थना करते हैं और मुस्लिम ख्वातीन नमाज़ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। लेकिन जैसे ही दुआ ख़त्म होती है बारिश, रहमत की बारिश जो है बरसने लगती है। तो हम आज रुके हैं तो दुआ जो ख़त्म हुई है, लेकिन बारिश की हल्की हल्की बूंदें अब देख रहे हैं, पड़ रही हैं। तो ये इनका अकीदा है और ज़रूर बारिश आती है और ये एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, बी न्यूज़ नेशन अब आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर SMP केबल नेटवर्क चैनल नंबर 1005 पर। आपकी सुविधा के लिए हमने बनाया एक मोबाइल ऐप जिसे गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं ताज़ा खबरें आपके बी न्यूज़ नेशन चैनल पर। बी न्यूज़ नेशन को यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब आप फेसबुक पर भी बी न्यूज़ नेशन की ताज़ा और सही खबरें देख सकते हैं। तो प्लीज़ बी न्यूज़ नेशन के फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें और बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।